इन्वेंट्री कंट्रोल प्रॉब्लम्स। तो आज हम देखेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल के प्रॉब्लम जो लास्ट 30 इयर्स में आए हैं। इन एन आइडियल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम द इकोनॉमिक लॉट साइज फॉर अ पार्ट इज 1000। इफ द एनुअल डिमांड फॉर पार्ट इज डबल्ड द इकोनॉमिक लॉट साइज रिक्वायर्ड विल बी। ठीक है, क्वेश्चन में दिया ईओक्यू 1000 है। ठीक है, इकोनॉमिक लॉट साइज, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 1000 है। वो क्या बोलते हैं, जो नॉर्मल डिमांड है उसको अगर ट्वाइस कर दिया तो नया ईओक्यू कितना आएगा। ठीक है, हमारा ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है, 2 times डिमांड ऑर्डरिंग कॉस्ट अपन होल्डिंग कॉस्ट अंडर रूट में। ठीक है, तो जो डिमांड है डी, उसकी जगह मैं 2D सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो मैंने डी की जगह 2D सब्सटीट्यूट किया। अगर मैं इस 2 को रूट 2 करके बाहर लिख दूँ, तो मैंने रूट 2 करके बाहर लिख दिया, ये है सेम फॉर्मूला हो गया। और मेरे को इसका वैल्यू पता है, तो रूट 2 टाइम्स ऑफ ईओक्यू क्या था, 1000। ओके, तो ये आंसर है। व्हेन द एनुअल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इज 24000 यूनिट्स द ईओक्यू इज 2000 यूनिट्स। इफ द एनुअल डिमांड इज 48000 यूनिट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईओक्यू विल बी। ठीक है, उसने हम लोग को डिमांड दिया, ईओक्यू दिया है। डिमांड क्या दिया है, B1 देते हैं हम लोग को 24000। ठीक है, तो अगर आप बेसिकली देखेंगे इसमें डिमांड क्या हो रहा है, ट्वाइस हो जा रहा है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिमांड क्या हो रहा था, ट्वाइस हो रहा था। ईओक्यू का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ 2 times डिमांड ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, आपने नोटिस किया कि डिमांड डबल हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे ये ईओक्यू 2 निकालना है, ठीक है, तो मैं 2 into 2 times ऑफ D1 लिख सकता हूँ। यहाँ पे अगर D2 है, ईओक्यू में जब ईओक्यू का नॉर्मल फॉर्मूला रहता है वहां पे D रहता है, अगर ईओक्यू 2 हुआ तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे, अगर मैंने D2 की जगह 2 times ऑफ D1 लिखा तो वो करेक्ट होगा, डबल हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, D2 इज इक्वल टू 2 times ऑफ D1। ओके, तो मैंने D2 की जगह D1 लिख दिया, ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन होल्डिंग कॉस्ट। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 times ऑफ D1 ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन होल्डिंग कॉस्ट इनटू है। मेरे को इस चीज की वैल्यू पता है, ये ईओक्यू है किसका, फर्स्ट वाले, क्योंकि D1 है और इसकी वैल्यू 2000। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 times ऑफ 2000। ठीक है, तो आंसर मिलेगा मेरे को 2800। ओके, 2800 नहीं मिलता है, लेकिन अप्रोक्स इसी के पास मिलता है, ऑप्शन में 2800 है, तो यही आंसर है। इफ द डिमांड फॉर एन आइटम इज डबल्ड एंड द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज हाफ द इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं, इफ द डिमांड फॉर एन आइटम, ठीक है, जो नॉर्मल डी था उसका डिमांड डबल हो गया। ठीक है, जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो हाफ कर दिया, तो नया ईओक्यू पूछ रहे हैं। तो हमारा ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, टू टाइम्स ऑफ डिमांड ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन होल्डिंग कॉस्ट। अगर सब वन है, ये वन है, ये वन है, ईओक्यू वन है, तो उसको हम लोग को नया ईओक्यू पूछ रहे थे। ईओक्यू टू क्या हुआ, 2 times ऑफ नया क्या था, ट्वाइस ऑफ डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट जो था वो हाफ हो गया है होल्डिंग कॉस्ट। तो ये 2 और ये 2 2। ठीक है, तो क्या बच रहा है, 2 times ऑफ D2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ 2 अपॉन होल्डिंग कॉस्ट। ईओक्यू 2 और ईओक्यू 1 क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो आंसर आएगा रिमेन अनचेंज। सेटअप कॉस्ट डू नॉट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ वर्क पीस। ठीक है,
सेटअप कॉस्ट जो होता है वो प्रोसेसिंग का कॉस्ट इंक्लूड नहीं करता वर्कपीस का. वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीआरएस, पीरियोडिक रीऑर्डरिंग सिस्टम इज नॉट ट्रू आइडेंटिटी. ठीक है, पीआरएस कब कब यूजफुल होता है? कंट्रोलिंग पेरिसेबल आइटम, एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन, इन्वेंटरी होल्डिंग कॉस्ट, इन रीऑर्डरिंग कॉस्ट, इन्वेंटरी प्लानिंग. एक्स्ट्रा इन्वेंटरी इज अननेसेसरली कैरीड टू द एंड ऑफ द प्लानिंग पीरियड व्हेन यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग लॉट साइज डिसीजन पॉलिसीज. ठीक है, ई ओ क्यू लॉट साइज में अननेसेसरी इन्वेंटरी कैरी होती है लास्ट तक. पैसे बचाने के चक्कर में मंगवा के रख लेते लेकिन वो पड़ी रहती है, उसका जल्दी यूज नहीं होता. इन कंप्यूटिंग विल्सन्स इकोनॉमिक लॉट साइज फॉर एन आइटम, बाय मिस्टेक द डिमांड रेट एस्टिमेटेड यूज वॉज 40% हायर देन द ट्रू डिमांड रेट. ड्यू टू द एरर इन लॉट साइज कंप्यूटेशन, द टोटल कॉस्ट ऑफ सेटअप प्लस इन्वेंटरी होल्डिंग पर यूनिट टाइम वुड राइज अबाउ द ट्रू ऑप्टिमम अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, उसने क्वेश्चन में बोला है कि जो डिमांड है वो 1.4 टाइम ज़्यादा हो गई है, तो वो हम लोग को टोटल सेटअप प्लस इन्वेंटरी होल्डिंग पर यूनिट टाइम पूछ रहा है नया, कि चलो भाई एरर कर दिया है, अब एरर से क्या सलूशन आया वो बताओ. ठीक है, तो डिमांड 40% एक्स्ट्रा हुई है, तो जो नई डिमांड आई है वो 1.4 टाइम्स ज़्यादा है एक्चुअल डिमांड से. ठीक है, तो नॉर्मली ईओक्यू जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिमांड के, क्यू जो क्यू स्टार था, लेकिन अब जो क्यू स्टार होगा वो 1.4 टाइम्स ज़्यादा होगा डिमांड के. ठीक है, टोटल सेटअप प्लस इन्वेंटरी होल्डिंग पर यूनिट टाइम मतलब टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला के. ठीक है, लेकिन अपना डी क्या है, 1.4 टाइम्स ऑफ डी है, 1.4 टाइम्स ऑफ डी है ऑर्डरिंग कॉस्ट. अपना क्यू क्या है, जो क्यू है 1.4 टाइम्स ऑफ डी. तो हमारा ये जो क्यू वन स्टार होगा इसको मैं 1.4 टाइम्स ऑफ क्यू लिख सकता हूँ. ठीक है, ये लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि रूट डी की जगह मैंने क्यू स्टार सब्सिट्यूट कर दिया. ठीक है, तो क्यू वन स्टार जो होगा मेरा वो 1.4 टाइम्स ऑफ क्यू स्टार होगा. ओके, सिमिलरली यहाँ पे 1.4 टाइम्स ऑफ क्यू स्टार टू होल्डिंग कॉस्ट, 1.4 मैंने कॉमन ले लिया. ठीक है, रूट में ऊपर में इसको स्प्लिट कर दूंगा, एक कट जाएगा, एक बाहर आ जाएगा, एक यहां से बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, d by q ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस q by 2 होल्डिंग कॉस्ट. ठीक है, तो अब हम लोग को पता चल गया कि ये फॉर्मूला सेम है, तो कितना चेंज आ रहा है, ये नंबर चेंज आ रहा है जिसका वैल्यू है, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा था, 1.183, तो वो कितना परसेंट हो जाएगा, 18.3. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मार्केट डिमांड फॉर स्प्रिंग इज 8 लाख पर एनम, अ कंपनी परचेज दिस स्प्रिंग इन लॉट एंड सेल्स देम, द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ परचेज ऑर्डर इज 1200, द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज ऑफ स्प्रिंग इज 120 पर स्टोर पर पीस पर एनम, द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. ईओ क्यू पूछ रहा है, ठीक है, डिमांड दिया उसने पर एनम, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया उसने 1200 रुपीस और होल्डिंग कॉस्ट दिया उसने 120 पर पीस. ठीक है, तो सिंपल हम लोग सीधा ईओ क्यू वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 2 टाइम्स ऑफ डिमांड ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन होल्डिंग कॉस्ट. अगर आप वीडियो में जाएंगे तो ये सब याद रखने की ट्रिक बताए, तो आप जरूर वीडियो में देखे, आई बटन में वीडियो है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिमांड सब्सटीट्यूट कर दूंगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट सब्सटीट्यूट कर दूंगा, होल्डिंग कॉस्ट सब्सटीट्यूट कर दूंगा. ठीक है, सब सब्सटीट्यूशन करने के बाद आंसर आएगा 4000. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, देयर आर टू प्रोडक्ट्स पी एंड क्यू विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक. पी का डेटा दिया है, क्यू का डेटा दिया है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट पी एंड क्यू विल बी. ठीक है, रेशियो पूछ रहा है वो. डिमांड दिया उसने 100,
ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है 50, होल्डिंग कॉस्ट दिया है 4। सिमिलरली क्यू का उसने डिमांड दिया है 400, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है 50 और होल्डिंग कॉस्ट दिया है 1। दोनों के ई ओ क्यू ऑफ पी, ई ओ क्यू ऑफ क्यू दोनों का रेशियो पूछ रहा है, अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ डिमांड ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन होल्डिंग कॉस्ट अपॉन 2 टाइम्स ऑफ डिमांड ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन होल्डिंग कॉस्ट। तो क्या आता है, 2 इंटू 100 इंटू 50 ओके अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वो बोलता है, इन मशीन शॉप पिंस ऑफ 15 mm डायमीटर आर प्रोड्यूस्ड एट अ रेट ऑफ 1000 पर मंथ एंड सेम इज कंज्यूम एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ। द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन कंटिन्यू साइमल्टेनियसली टिल द मैक्सिमम इन्वेंटरी इज रीच, देन द इन्वेंटरी इज अलाउड टू रिड्यूस 0 टू कंजम्पशन। The lot size of production is 1000. The backlog is not allowed. The maximum inventory level is dash. And the same is consumed at the rate of 500 per month. Consume हो रहा है मतलब demand है उसकी 500 per month की. The production and consumption continues simultaneously till the maximum inventory is reached. 1000 बन रहा है, उसमें से 500 use हो जा रहा है. ओके 1000 बन रहे हैं उसमें से 500 यूज हो जा रहे हैं, तो ऐसे कर करके उसके पास इन्वेंट्री कलेक्ट हो रही है और वो बोल रहे हैं जब तक इन्वेंट्री फुल नहीं हो जाती तब तक चलेगा, जब फुल हो जाएगी तो रुक जाएगा। ठीक है, द इन्वेंट्री इज अलाउड टू रिड्यूस 0 टू द कंजम्पशन। ठीक है, जब फुल हो जाएगी इन्वेंट्री उसके बाद वो इन्वेंट्री में से देगा। द लॉट साइज ऑफ द प्रोडक्शन इज 1000, लॉट साइज बोला उसने क्यों 1000 है। इफ बैकलॉग इज नॉट अलाउड द मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल इज, बैकलॉग अलाउड नहीं, मैक्सिमम इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है, क्यू मैक्स इज इक्वल टू पी माइनस डी, क्यू बाय पी इज इक्वल टू पी है 1000 माइनस डी है 500 इंटू क्यू है अपना 1000 अपॉन P है 1000 500 इन्वेंट्री ऑप्शन में है।